वेलकम टू रेड टेक चैनल तो आज हम फिजिक्स ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग में सिक्स यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारी रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट विद एम सी क्यू इसमें हम बेसिकली कुछ अनदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ जो टॉपिक है वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं जैसे कि हमारा रेडिएशन डिटेक्शन टाइप्स ऑफ डिटेक्टर एंड अदर्स तो आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं सो लेट्स बिक गैन फ्री एयर आयनाइजेशन चैम्बर तो फ्री एयर आयनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है इसका बेसिक प्रिंसिपल है हमारा एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है एक्सपोजर को बेसिकली मेज़र करने के लिए रोंजन में तो रोनजन में हमारा कौन सा जो है मेज़र करता है फ्री एयर आयनाइजेशन चैम्बर हमारा रोनजन में एक्सपोज़र को बेसिकली मेज़र करता है स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बॉक्स होता है जिसमें हमारी पैरेलल मेटल की प्लेट्स होती हैं जिसपे हम एक्सपोज करते हैं एक्सरे बीम को जो बॉक्स में बेसिकली एयर होता है अब मीज़रमेंट कैसे करते हैं जो जो हमारी मेटल प्लेट्स हैं वो हमारी चार्ज कलेक्ट करती हैं और मीज़र्ड करती हैं किसके द्वारा एक इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा मेजरमेंट होती है और यूनिट में बेसिकली रोंजन में हम मेजर करते हैं एक्सपोजर को अब इसमें एक इक्विलिब्रियम बनाए रखने की आवश्यकता होती है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक संतुलन या एक समान रूपता बनाए रखना वह हमारा इक्विलिब्रियम कहलाता है तो किसी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू में एक्यूरेट मीजरमेंट के लिए कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम की आवश्यकता होती है वो हमें मेंटेन रखनी होती है उसके द्वारा ही हम अच्छे से जो एक्यूरेट मेज़रमेंट कर सकते हैं अब करेक्शन की बात करें तो जो टेम्परेचर है और प्रेशर है उनका भी जो है काफ़ी असर पड़ता है मेजरमेंट के दौरान तो उनको भी बेसिकली उनको चेंजेस करने की या बेसिकली उनको एक फिक्स्ड सिनेरियो में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना होता है जिससे हमारे स्टैंडर्ड जो कंडीशन है वो मेंटेन हो पाए इससे हम बेसिकली अच्छे से और एक्यूरेट वे में जो है रेज uh, को बेसिकली एक्सपोजर को काउंट कर सकते हैं रोनजन में नाउ इससे रिलेटेड कुछ जो है एम सी क्यू क्वेश्चन नंबर वन है हमारा हाउ इज एक्सपोजर मिजर्ड इन फ्री एयर आयनाइजेशन चैम्बर तो कैसे हमारा जो है एक्सपोजर मिजर किया जाता है फ्री एयर आयनाइजेशन चैम्बर में तो ऑप्शन ए हमारा वोल्टेज ड्रॉप ऑप्शन बी हमारा चार्ज कलेक्टेड ऑप्शन सी हमारा बीम अटैनशन एंड ऑप्शन डी हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्ज कलेक्ट होता है मेटल प्लेट्स के द्वारा उसके आधार पर हम मेजर करते हैं तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर होगा चार्ज कलेक्टेड क्वेश्चन नंबर टू व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एक्यूरेट एक्सपोजर मेजरमेंट इन दैम्बर तो कौन सी जो कंडीशन वो सेटिस्फाइड होती है एक एक्यूरेट एक्सपोजर मेजरमेंट को इस चैम्बर में बेसिकली ऑप्शन ए हमारा मैक्सिम इलेक्ट्रॉन रेंज ऑप्शन बी हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम ऑप्शन सी हमारा यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑप्शन डी हमारा टेम्परेचर वेरिएशन तो कौन सी हमारी जो है कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम तो इलेक्ट्रॉनिक अगर इक्विलिब्रियम होगा एक समानता और एक तरह से संतुलन होगा हर चीज का बेसिकली टेम्परेचर का प्रेशर का और जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण हैं उन सब का उसी के बाद हम जो है एक्यूरेट जो है मेजरमेंट कर पाएंगे तो बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थ्री वट करेक्शन इज नेसेसरी फॉर डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो क्या करेक्शन करने की आवश्यकता होती है बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में ऑप्शन ए हमारा वोल्टेज करेक्शन ऑप्शन बी हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर करेक्शन ऑप्शन सी हमारा बीम साइज एडजस्टमेंट ऑप्शन डी हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्लेबरियम करेक्शन तो राइट right आंसर है हमारा जैसे कि मैंने बताया था टेम्परेचर और जो प्रेशर करेक्शन है वो हमारा समान रूप से होना चाहिए तभी हमारी जो मेजरमेंट है वो अच्छे से हो पाती है तो ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर होगा नाउ थिम्बल आयनाइजेशन चैम्बर अब थिंबल आयनाइजेशन चैम्बर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आयनाइजेशन चैम्बर है इसमें हमारे स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है और एयर इक्विलेंट वॉल मटेरियल होता है एयर एयर इक्वेलेंट का मतलब होता है एयर की तरह जो बिहेव करे नेचर देन इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोड्स जो है वो लगे होते हैं इनर इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा एलुमिनियम का होता है और आउटर इलेक्ट्रोड हमारा ग्रेफाइट का होता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो ग्रेफाइट का जो हमारा वो बेसिकली आउटर जो है वो इलेक्ट्रोड है और ये हमारा टोटल बेसिकली थिम्बल आइनेशन चैम्बर है देन मेजरमेंट की बात करें तो जो आयन प्रोड्यूस किए जाते हैं एयर कैविटी में और कलेक्टेड किए जाते हैं और उनको बेसिकली मेजर किया जाता है एक्सपोजर के लिए वह हमारी बेसिकली इसमें मेज़रमेंट कहलाती है और सेंसिटिविटी की बात करें तो जो हमारे चैम्बर की वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस के तो बेसिकली सेंसिटिविटी क्या है कि जितना हमारे चैम्बर में बेसिकली चैम्बर वॉल्यूम है बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द एरिया जितना है उसी हिसाब से हमारी सेंसिटिविटी इनक्रीज होगी वॉल्यूम ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैपेसिटेंस के है कि हमारा कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा है तो हमारी जो सेंसिटिविटी है वो हमारी कम होगी तो आई होप यू क्लियर आउट दिस पॉइंट आल्सो तो ये तो ये हमारा इसमें इंसुलेटर लगा होता है और ये हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसके अंदर बेसिकली एयर होती है ये हमारा चैम्बर वॉल्यूम कहलाता है नाउ इससे रिलेटेड बेसिकली एम सी क्यू वॉट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग एयर इक्विलेंट वॉल मटीरियल इन थिम्बल आइनाइेशन चैम्बर तो इसमें बेसिकली एयर इक्विलेंट वॉल मटीरियल का क्यों इस्तेमाल किया जाता है क्या परपज़ है उसका ऑप्शन ए हमारा इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑप्शन बी हमारा यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑप्शन सी हमारा वॉल्यूम लार्ज वॉल्यूम मेजरमेंट ऑप्शन डी हमारा इलेक्ट्रॉन रेंज मैचिंग तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज सेंसिटिविटी तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम एयर इक्विलेंट वाल का वॉल मटेरियल का यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि जो हमारी वॉल्यूम ऑफ जो बेसिकली चैम्बर है उसके प्रोपोर्शनल uh, होता है सेंसिटिविटी के अगर जितनी हमारी वॉल्यूम होगी तो सेंसिटिविटी भी उस उतनी ही ज़्यादा होगी तो उसको बेसिकली इंक्रीज़ करने के लिए हम बेसिकली एयर एक्वलेंट वॉल मटेरियल का यूज़ करते हैं ताकि वो बिहेव लाइक like का एयर करे जिससे हमारी जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा हो क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द रोल ऑफ इनर इलेक्ट्रोड इन दी थिम्बल आयोनाइेशन चेंबर तो इन इनर इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होता है ऑप्शन ए हमारा चार्ज कलेक्शन ऑप्शन बी हमारा एयर कैबिटी सीलिंग ऑप्शन सी हमारा आयोनाइजेशन प्रोडक्शन ऑप्शन डी हमारा टेम्परेचर करेक्शन तो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए चार्ज करेक्शन कलेक्शन का बेसिकली काम होता है हमारा इनर इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ ओपन शुड थिंबल आयोनाइन चेंबर बी कैलिब्रेटेड अगेंस्ट दी प्राइमरी स्टैंडर्ड तो इसमें कैलिब्रेशन का बताना है कैलिब्रेटेड कब होता है अगेंस्ट दी प्राइमरी स्टैंडर्ड तो ऑप्शन ए हमारा ईयरली ऑप्शन बी हमारा एवरी थ्री ईयरस ऑप्शन सी हमारा मंथली एंड ऑप्शन डी हमारा ओनली वैन डैमेज तो राइट right आंसर है हमारा एवरी थ्री ईयर में बेसिकली इसको कैलिब्रेटेड किया जाता है अगेंस्ट दी प्राइमरी स्टैंडर्ड पॉकेट डोजीमीटर अब पॉकेट टोजीमीटर की बात करें तो इसमें एक आयन चैम्बर होता है जिसमें हमारा एक क्वाड्स फाइबर होता है जो हमारा एयर फिल्ड चैम्बर में सस्पेंडेड होता है बेसिकली बंद होता है ऑपरेशन की बात करें तो इसमें एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है चार्ज अप्लाई किया जाता है और एक्सपोज़र को इंडिकेटेड एक्सपोजर बेसिकली इंडिकेटेड होता है किस वजह से एक क्वाड्स फाइबर के मूवमेंट की वजह से हमें पता चलता है कि एक्सपोज़र इसमें कितना है क्या है रेंजेस की बात करें तो ये हमारे वेरियस रेंजेस में उपलब्ध होते हैं एक्सरे और गामा रेज में एडवांटेज की बात करें तो इसमें इंस्टेंट ऑन द स्पॉट बेसिकली रेडिएशन डोज का जो है पता चलता है तो ये हमारा बेसिकली सबसे बड़ा एडवांटेज है पॉकेट डोजी मीटर का तो आई होप यू क्लियर आउट दिस पॉइंट कि एक आयन चैम्बर होता है जिसमें हमारा मेन होता है क्वार्ट्ज फाइबर जो हमारा फिल्ड चैम्बर में सस्पेंडेड होता है और बेसिकली इसके जो जब एक्सपोजर लगता है तब हमारे क्वार्ट्स फाइबर की मूवमेंट होती है उसी से हमें बेसिकली पता चलता है रेडिएशन का ये हमारा काफ़ी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेंजेज में उपलब्ध होते हैं और ऑन द स्पॉट इंस्टेंट जो है रेडिएशन डोज कितने रिसीव हुई है वह पता लगाने में सक्षम होता है तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया पॉकेट डोजी का नाउ हेयर यू कैन सी जो ये हमारा गामा और एक्सरे रेडिएशन है जैसे कि इस पर जो पढ़ते हैं जो हमारा एक्वाड्स जो फाइबर है उसमें जो है वो मूवमेंट होती है तो उसी आधार पर जो है इसकी मेजरमेंट से हमें पता चलता है कितनी हमें रेडिएशन या बेसिकली रेडिएशन मेजरमेंट का इसमें पता लगा सकते हैं वायर एलिमेंट होता है इसमें पूरा जो है फ्रेम और बेसिकली सीज होता है डोसेज स्केल वगैरह इसमें होते हैं इसमें मेजरमेंट आती है यू कैन सी जो डोसे स्केल है और यहाँ से हम देख सकते हैं कैप विद विंडो सपोर्टिंग इंसुलेटर भी लगा होता है ये होना अनिवार्य है जैसे कि आपको पता है और इलेक्ट्रोड्स इसमें लगे होते हैं तो ये पॉकेट ओजी है आई होप ई डायग्राम के मदद से आपको समझ में आ गया होगा जो मेन इसका समझने वाला पॉइंट है वो हमारा क्वाड्स फाइबर है उसकी मूवमेंट से हमें बेसिकली पता चलता है कितनी हमारी जो है रेडिएशन रिसीव हुई है नाउ इससे रिलेटेड कुछ एम सी क्यू वॉट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ पॉकेट ओजीमीटर ओवर फिल्म बैच एंड टी एल डीज़ तो पॉकेट ओजीमीटर का फिल्म बैच और टी एल डी के ऊपर बेसिकली मेड एडवांटेज क्या है कि उनके बजाय हम पॉकेट ओजीमीटर का क्यों इस्तेमाल करें तो ऑप्शन ए हमारा परमानेंट रिकॉर्ड ऑप्शन बी हमारा इमिडिएट एक्सपोजर चेक ऑप्शन सी हमारा हायर एक्यूरेसी ऑप्शन डी हमारा लार्ज डोज मेजरमेंट रेंज तो राइट right आंसर है हमारा जैसे कि मैंने बताया इसका जो एडवांटेज है वो हमारा है इमीडिएट ऑन द स्पॉट जो है एक्सपोजर चेक होता है तो ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर है इमीडिएट एक्सपोजर चेक होता है ऑन द स्पॉट रियल टाइम जो है रेडिएशन डोज का पता लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू हाउ इज़ द एक्सपोजर इंडिकेटेड इन पॉकेट डोजीमीटर तो एक्सपोज़र कैसे इंडिकेट होता है हमारा पॉकेट डोजीमीटर में ऑप्शन ए हमारा वोल्टेज ड्रॉप ऑप्शन बी हमारा मूवमेंट ऑफ क्वाड्स फाइबर ऑप्शन सी हमारा आयनाइजेशन चार्ज ऑप्शन डी हमारा फिल्म तो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूवमेंट ऑफ क्वाड्स फाइबर जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वाड्स फाइबर की मूवमेंट से हमें इंडिकेट होता है कितना हमारे इसमें एक्सपोजर लगा है क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज द टिपिकल एक्यूरेसी ऑफ पॉकेट डोजी मीटर तो टिपिकल एक्यूरेसी कितनी है पॉकेट डोजी मीटर की ऑप्शन ए हमारा प्लस माइनस फाइव परसेंट ऑप्शन बी हमारा टेन परसेंट ऑप्शन सी हमारा फिफ्टीन परसेंट एंड ऑप्शन डी हमारा ट्वेंटी परसेंट तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी टेन परसेंट प्लस माइनस बेसिकली हो सकता है टिपिकल एक्यूरेसी होती है डोजी मीटर की जो हमारा पॉकेट डोजी मीटर है डोज एरिया प्रोडक्ट मीटर अब डोज एरिया प्रोडक्ट मीटर का पर्पस क्या है कि रेडिएशन इंटेंसिटी और फील्ड एरिया जो सेमल्टेसनी है उनको प्रोडक्ट बेसिकली काउंट किया जाता है कैलकुलेट किसके द्वारा डोज और एरिया के प्रोडक्ट के द्वारा यानी कि डेप इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है फ्लैट रेडियोल्यूसेंट एयर चैम्बर होता है जिसमें हमारा जो है एक्सरे कोली के ऊपर फिटिड होता है कैलकुलेशन की बात करें तो डैप हमारा जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है डोज इनटू में एरिया कितने एरिया में डोज लगी है रेडिएशन इंटेंसिटी बेसिकली ऐसे मापते हैं यूज़ किस लिए होता है जो हमारा फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर होता है जिसमें एम्प्लॉयड जो लोग हैं फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर में और कार्डिक कैथेटराइजेशन लैब्स में बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है डैप निकाल के हम पता लगा सकते हैं रेडिएशन का तो इससे रिलेटेड एम सी क्यू वट डज दी डोज एरिया प्रोडक्ट मीटर मीज़र तो क्या हमारा डेप मीज़र करता है ऑप्शन ए हमारा एक्सपोजर रेट ऑप्शन बी हमारा फील्ड एरिया ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन इंटेंसिटी ऑप्शन डी डोज इंटू में एरिया तो राइट आंसर है, है हमारा ऑप्शन नंबर डी डोज इंटू में एरिया ये हमारा कैलकुलेट करता है बेसिकली डेप क्वेश्चन नंबर टू वट इन्फॉर्मेशन डज़ दी डैप मीटर प्रोवाइड फॉर ईच पेशेंट तो क्या इन्फॉर्मेशन देता है डैप मीटर ईच पेशेंट के लिए ऑप्शन तो right है हमारा सोर्स टू पेशेंट डिस्टेंस ऑप्शन बी मैग्नीफिकेशन मोड ऑप्शन सी चेंज इन केवीपीज ऑप्शन डी हमारा रेडियशन फील्ड एरिया तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी रेडिएशन फील्ड एरिया प्रोवाइड करता है ईच पेशेंट का कि कितना हमारा जो है रेडियशन फील्ड एरिया है वह हमारा बताता है डैप मीटर तो ये थे हमारे कुछ जो टॉपिक्स और उससे रिलेटेड जो है एम सी क्यू सिक्स यूनिट से आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत